वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। कनेडा दी टोरंटो सिटी विच सुरक्षा गार्ड वजो नौकरी करते लगभग 100 सिखा नू इस करके नौकरी तो हटा दिता गया कि उन्होंने दाढ़ी रखी है। सिख की दाढ़ी केस का जिहड़ा ये पंजा ककारां दा हिस्सा आ। सिख दे कोई भी धर्म च जिहड़ा बच्चा पैदा हुंदा जेकर वो अपने चेहरे मोड़े मोहरे नू ना छेड़े तां उहदा जिहड़ा चेहरा मोहरा वह सिखां वाला ही होएगा। सिख कौम हर थां चाहे वह करोना काल सी चाहे किसी थां भी विपता पई है सिख अगे हो गए मतलब उन्हां सिखां मुश्किलों का हल करते रहे ने। तो कनेडा वर्गे शहर जे इहो जी गल दी आस नहीं की जा सकती क्योंकि उत्थे हमेशा सिखां ने खालसा एड के नाँ ते चाहे होर जथेबंदियां दे नाँ ते सिखां ने लोगों की मदद की आ। अजिहे वड्डे शहर विच सिखां नूं इस तरह नौकरियां तों हटाउणा लंघण योग आ। मैं मानजो प्रधान साहब श्रोमणी कमेटी वालों उत्थों दी सरकार दी इस गल दी निंदा भी करदा अते मानजो प्रधान साहब वालों उत्थों दी सरकार तो मंग करदा कि इन्हां सिखां नूं पहलां ही तरह नौकरियों तों रख्या जावे तां कि सिखां च किसी भी तरह की मंद भावना जां हीण भावना ना जागे क्योंकि सिख हमेशा ही मुल्क की चढ़ती कला लई काम करते रहे हैं चाहे वह हिंदुस्तान होवे चाहे दूजिया दूजे शहर जां कंट्रियां होण। ते सिखां नूं हर थां ही अपनी दाढ़ी केस रखण दा हक आ ते उत्थों दी सरकार नूं बेनती है कि वह सिखां दी दाढ़ी केस रखण करके जे उन्हां नूं नौकरी तों हटाया गया तां वह उन्हां नूं वापस रखना चाहिए। करोना का हवाला दे के क्यों मास्क उन्हां दे चेहरे ते नहीं आउंदे ये जिहड़ी गल जिहड़ी वह सही नहीं आ क्योंकि इत्थे भी करोना काल समय सिख अपने चेहरे ते मास्क लाउंदे रहे ने कभी कोई मुश्किल नहीं आई कि दाढ़ी रखण करके जां साफ सूरत होण करके करोना काल च मास्क ना लगे होण ये गल जिहड़ी उन्हां दी वाजब नहीं आ। इस करके उन्हां नूं अपने फैसले ते मुड़ विचार करने चाहिए।